सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी पर बड़ी सख्त टिप्पणी की है। नोएडा एक्सप्रेसवे के सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट मामले में बिल्डर का पक्ष लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटी को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों से कहा कि आप बिल्डर की भाषा बोल रहे हैं, आपके अंग अंग से भ्रष्टाचार टपकता है। दरअसल मामले की सुनवाई के दौरान नोएडा अथॉरिटी के वकील अपने अफसरों का बचाव कर रहे थे और फ्लैट बायर्स की ही कमियां निकाल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान नोएडा अथॉरिटी के वकील ने कहा कि सुपरटेक एमराल्ड मामले में सभी नियमों का पालन किया गया है। अथॉरिटी के वकील बायर्स की कमियां बता रहे थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि ये दुख की बात है कि आप पब्लिक अथॉरिटी होते हुए बिल्डर की ओर से बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुरुआती दौर में ये देखने को मिला था कि नोएडा प्राधिकरण में तैनात अधिकारियों का यूपी सीडा, गोरखपुर, कुशीनगर और आजमगढ़ प्राधिकरण तक तबादला किया गया था। दावा किया गया था इस नई सरकार में कि कोई भी भ्रष्टाचारी नोएडा प्राधिकरण में अब तैनात नहीं रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद सरकार के दावे फेल हो गए। भ्रष्ट अधिकारियों को नोएडा अथॉरिटी से हटाकर ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण में फिर से मलाईदार पदों पर तैनात कर दिया गया। इससे मौजूदा सरकार की छवि पर धब्बा लगा है। भ्रष्टाचारी अफसरों ने साफ कर दिया है कि सरकार किसी की भी हो, चलेगी उन्हीं की।